भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाले फोर लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर शुक्रवार की देर रात तेज आंधी और बारिश में गिर गया। केबल लगे होने के बावजूद पुल के सुपर स्ट्रक्चर का गिरना निर्माण पर सवाल खड़ा करता है। ये स्ट्रक्चर करीब 100 फीट से ज्यादा लंबा था। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। फोर लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरा, बारिश आंधी में भरभराकर ढहा, हवा में उड़ गया 1711 करोड़ का पुल। जी हाँ, 1711 करोड़ का पुल हवा में उड़ गया। देख लीजिए यह तस्वीर, यही वह पुल का सुपर स्ट्रक्चर है जो हवा के थपेड़ों को नहीं सह सका और धड़ाम हो गया। लगातार टॉर्क देता रहा, वो थोड़ा थोड़ा घूमता रहा, जो प्रारंभिक तौर पर देखने में लग रहा है हवा की वजह से दोनों तरफ अलग अलग दिशा में हवा आने से टॉर्क होता रहा और बेंड करता रहा। आप इसको एक बात से और देखेंगे, जो 7 सेगमेंट केबल स्टे से कनेक्टेड है उनमें कुछ नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं, और बाकी जो सेगमेंट जिनमें केबल स्टे और एक्स्ट्रा डोजिंग नहीं हो पाई थी वही कोलैप्स कर गए। लेकिन तब सियासत ने भी रंग ले लिया, विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। ये भ्रष्ट सरकार जो 56 घोटालों का जिक्र माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो ऐसे ही नहीं किया था। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार की पुल और पुलिया और इमारत तो गिरनी ही है। तो जो बड़ा महकमा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, अब उसमें लूट का छूट है, तब तो हर पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो जाता है। विपक्ष तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी इस पर अपनी नई दलील पेश कर रही है, यानी सरकार कोई पुल नहीं बनाती, पुल तो एजेंसी बनाती है, जांच की जाएगी। टेंडर से पुल बनाए जाते हैं, कोई सरकार नहीं बनाती है। हम टेंडर देते हैं कंपनियों को और वो बनाती हैं। कहीं ना कहीं गुणवत्ता में अभाव रहा होगा, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम रहा होगा जिसके कारण गिरा है, तो निश्चित रूप से जाँच होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जेडीयू ने इस मसले पर खामोशी बरत ली है, तो क्या बीजेपी कोटे के मंत्री के हिस्से का मामला है तो जेडीयू शांत हो गई है? लेकिन जवाबदेही किसकी है ये तो सरकार को तय करना है। तो फिर सरकार जवाब दे, कौन है जिम्मेदार, कहाँ है लापरवाही? अश्विनी, जी मीडिया, भागलपुर।